तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोग चल रहे हैं जलियांवाला बाग में, जो कि मुंशीगंज में स्थित है। तो आप लोग चैनल पर बने रहना और वीडियो को पूरी देखना अंत तक। और अब हम चल रहे हैं जलियांवाले बाग में, थोड़ा सा और बचा है, अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो चलो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा और बचा है और हम लोग पहुँच गए हैं मुंशीगंज। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गेट है और हम पहुंच गए हैं शहीद स्मारक पार्क। यहाँ पे देखो भारत माता की फ़ोटो बना रखी है, इधर आप लोग देख सकते हो, और पीछे भारत का नक्शा बना हुआ है। और चलो आगे चलेंगे, जैसे हम लोग जाएंगे गेट से लगभग 100 मीटर के अंदर, तो उसके बाद में हमको जाना है और उसके आगे मिलेगा हमको फिर से एक गेट, तो उसको भी पार करना है। तो चलो हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। बाहर देख लो झूले वूले कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पर। आप लोग अगर रायबरेली से हो तो आप लोग ज़रूर एक बार आना। और हम लोग चलते हैं अंदर, और यहाँ पे नल लगा है पानी वानी पीने के लिए आप लोगों के लिए। तो चलो, और यहाँ से एक एक लोग करके जा सकते हो अंदर। और चलो अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये है मेन बना रखे हैं इधर, और यहाँ पर शहीद स्मारक का ये है जो गेट है, यहाँ पे शहीदों को याद करके यहाँ पे उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेना और देख भी लो, अभी तो देख लो, और वीडियो को पॉज करके आप लोग ज़रूर पढ़ लेना इन इसमें क्या लिखा है, क्या कैसे है। अगर आप लोग रायबरेली से हो तो ज़रूर एक बार आना। अब हम आगे दिखा दें, एक बार पीछे से भी दिखा देते हैं, दोनों तरफ लिखा हुआ। चलो पास में चल के हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख लो। और चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाले में, वहाँ पे देख लिया आप लोगों ने। तो चलो इसके आगे एक और मंदिर है, तो वहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ पे भी भारत माता की फ़ोटो बनी हुई है। और गाइस अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी, उसके लिए आप लोग माफ़ कर देना। और चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, तो वीडियो पूरी देखना यार, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो चलते हैं, इधर देखो हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और हमारे साथ में आए हैं आशीष, और एक बोर्ड इधर लिखा लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ वंदे मातरम, देख सकते हो कुछ ऐसा। और इधर बाएं साइड में यहाँ पे मंदिर बनी हुई, देख सकते हो यहाँ पे भारत माता की स्टैचू बनी हुई है कांच के अंदर, अंदर कोई नहीं जा सकता, मतलब कांच में ताला लगा हुआ है। और बाहर से हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, देख सकते हो, और नीचे बना हुआ है भारत का नक्शा, तो देख सकते हो। और इसके आगे भी हम चलेंगे ना तो वहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे सेल्फ़ी ले सकते हो आप लोग। चलो वहाँ की भी कुछ बातें हैं, वहाँ भी चल के हम बताते हैं। और देख सकते हो यहाँ बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है वंदे मातरम का, और पेड़ ये है छोटा जलिया पार्क, तो देख सकते हो कुछ ऐसा है। और ये मुंशीगंज के पास में ही है, वहाँ से रोड से दिख रहा है, वो देखो गाड़ी चल रही ना वहाँ से, तो वहाँ से दिखता है इधर के लिए। तो चलो हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको तो पास यहाँ पे हमारे किसानों ने अपनी कुर्बानी दी थी, तो दिखाना चाहेंगे आपको यार। हम यहाँ पे आ गए हैं और आप लोग देखो यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, देख सकते हो ये पीछे का सीन। और कहते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कि लड़ाई हुई थी कि ये जो नदी दिख रही ना साई नदी, ये पूरी खून से लाल हो गई थी। हम काफ़ी लोगों के सुने हैं मुँह से, और हम तो थे नहीं उस टाइम पे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे। देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ का ऐसा, और ये साई नदी गई है जो मुंशीगंज से वो दिखती ना साई नदी, वही वाली है। और ये आती इधर से, दिखाते हैं आपको हम बैक कैमरे से, इधर से रास्ता है, यहाँ पे आप खड़े होकर सेल्फी ले सकते हो। तो इधर यहाँ देख सकते हो कुछ ऐसा है, ये जो आपको नदी दिख रही है इसमें काफ़ी किसानों ने अपनी आहुति दी थी पुराने ज़माने में, जो देख सकते हो। और यहाँ पे छोटा जलियांवाला बाग है, और यहाँ पे जाने के लिए उधर रास्ता है, और यहाँ पे सेल्फी ले सकते हो आप लोग आके, और देख सकते हो। बहुत मन था आने के लिए यहाँ पे, तो हम भी लोगों से सुनते थे कि यहाँ पे एक मंदिर भी है माता का, वो वंदे मातरम का, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं आज, और आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अगर रायबरेली से हो तो प्लीज़ आना यहाँ पर और देखना, आप लोगों को कुछ जानने को मिलेगा
कि क्या है क्या है, कैसे है, जो भी है जैसा भी है, तो आप लोगों को जानने को तो मिलेगा कम से कम। और दिखा सकते हैं हम आपको वहाँ तक, देखो सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं, अभी लोग आके यहाँ सेल्फी लेते हैं बहुत लोग, लेकिन कुछ लोग आके यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं यार, तो उनसे हम बोलना चाहेंगे। अभी हम वहाँ पे थे लेकिन हम देखे उनको, लेकिन यार क्या ही बता सकते हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं यार, इतनी अच्छी जगह पे आके यार, हद है यार, किसी चीज़ की हद होती है, और ये लोग हद पार कर रहे हैं यार। हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इन लोगों से, लेकिन ये बोलना चाहेंगे कम से कम ऐसी जगहों को तो गंदा ना करें यार कम से कम। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा इसके पहले, तो आप लोग खुद ही जान सकते हो यार कैसी जगह क्या 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 कर रहे हैं यार। हम देखे हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन यार कुछ नहीं कह सकते ना, चलो जो भी है जैसा भी है। मेन बीचों बीच नदी में, और देख सकते हो यहाँ पे ये पीछे का व्यू कैसा लग रहा है आप लोग देखो। और हम हैं, हमारे साथ में आशीष दोस्त हमारे, और उधर से आए हैं, वो उधर मंदिर है, और ये इधर माता वंदे मातरम माता का मंदिर है, जैसे देख सकते हो वहाँ पे स्टैचू लगी है, और अंदर कांच के अंदर वो हम आपको दिखाएंगे, उसके नीचे अपने भारत यूपी का नक्शा भी है, तो यही कुछ सीन है। और यहाँ से जाके अंदर वहाँ पे फोटो भी खिंचा सकते हो, तो ज़्यादा हम उधर नहीं जाएंगे यार, क्योंकि हमें डर लग रहा है ना, इधर पानी भरा हुआ है, और इधर देखो पानी पीछे भरा हुआ है ना, वो नदी है ना साई नदी, तो उसी का पानी इधर आ रहा है। घूम लिया है, अब हम चलते हैं, आपको एक बार और मेन मन दिखाते हैं चल के वहाँ पे। और यार यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है यार, चलो अब चलते हैं। और नीचे देखो पानी इधर से बह रहा है, और इधर से बनी हुई है, और इसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो चलो चलते हैं। और आशीष आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारे फ़ोन में जब वीडियो बनाने लगो तो लाइट थोड़ा धीम पड़ जाती, पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। चलो चलो, ये रास्ता गई है, इधर ही से हम आए अभी, और वहाँ पे मंदिर बनी हुई देख सकते हो कुछ ऐसा। चलो पास में चलते हैं, और वहाँ पे कुछ लोग हैं, और ये इधर को हम काफ़ी दिन पहले आए थे, लेकिन वहीं से वापस लौट गए थे, यहाँ इधर तक नहीं आए थे। और यहाँ पे किसी की स्टैचू बना रखी, पता नहीं, ज़्यादा पता नहीं हमको किसकी बना रखी। देखो यहाँ पे वन विभाग का मतलब बना रखे, पेड़ वेड़ लगे हैं यहाँ पे बहुत सारे, अगर ये हो जाएंगे तो अच्छी छाया होगी। और इधर भी पेड़ लगे हुए हैं अच्छे, पूरे में मस्त लगेगा जब पेड़ हो जाएंगे नैरावरेली का। और वहाँ पे स्टैचू बना रखे हैं, जय भारत माता। आपको भी दिखा दिया, आई होप कि यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, नीचे जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिख देना कमेंट में। और अब हम चल रहे हैं घर के लिए अपने, और आपको भी दिखा दे, पीछे देख सकते हो कुछ ऐसा है, तो अब हम चल रहे हैं। सो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय।